It's already 9:45 and we have a bus at 10:30. We are at metro station and they didn't allow us to get the fireworks, the store that we have. So now we don't know. I don't think so I'll be able to reach the bus stand by 10:30. So let's see if we can make it. If not today, tomorrow I'll make it best for today. रात को 9 घंटे सफ़र करने के बाद अब मैं हरिद्वार पहुंच चुका था। मुझे यहां से ऋषिकेश जाना है और उसके बाद कौमो। हरिद्वार पहुंचते ही एक बहुत अलग ही इन्वायरमेंट था और सब बहुत डिफरेंट था, पॉजिटिव था। मतलब कुछ जानने के एक था नहीं, क्यूरियोसिटी नहीं थी मुझे मतलब वहां जानने की, बट मुझे जो भी मैं देख रहा था उसमें एक भक्ति का एक झलक दिख रही थी। तो जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया था आपको, पिछले सीज़न में माँ नर्मदे के सीज़न पे जब मैं परिक्रमा में गया था, कि माँ नर्मदा तपस्या है, माँ गंगा भक्ति है और माँ यमुना वैराग्य। तो यहाँ सबसे पहले दर्शन हुए मुझे मनसा देवी के, माता सती के 52वें टुकड़े मन का यही धरती पे गिरन हुआ था। उसके बाद दर्शन माँ गंगे के होते हैं। माइथोलॉजी में कहते हैं कि माँ गंगे के पुत्र थे देवव्रत, भीष्म पितामह। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। डाउट था चलो कि ये क्यों, बट नाम से अगर मैंने देखा तो एक कैरेक्टर मिला जो मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा देवव्रत। तो अब मुझे एक और नया एनर्जी मिली कि अब तो मैं एक माँ की, अब मतलब मैं उनका पुत्र हूँ, अब उनकी यात्रा मुझे करनी है। तो माँ गंगे की यात्रा करने के लिए मैं माँ गंगे के दर्शन करने उन्हीं के धाम गंगोत्री पहुँच गया। जब मैं इससे पहले साल जब आया था, जब यहाँ पे विंटर्स में सब बंद था, तो माँ गंगा बहुत बहुत ही धीरे धीरे बह रही थी और कलर बहुत ट्रांसपेरेंट था और बहुत क्लीन था। अब ऐसा भव्य रूप माँ का, विराट रूप देख कर, मेरे अंदर जैसे एनर्जी निकल रही है बाहर बट बॉडी सस्टेन नहीं कर पा रही उसको। मुझे फील हो रहा है कि मतलब अगर उससे ज़्यादा मैं इसको देखता रहा, माँ के दर्शन करता रहा, तो माँ का इतना विराट रूप देख के एनर्जी से कहीं मैं फटवट ना जाऊँ, एक्सप्लोर ना हो जाऊँ, एक्सप्लोर्ड हो गया पूरा। It's my first day in Gangotri and I've been meeting people around, the one who are taking cover, different bholes, and I'm taking them on a tour to Gangotri. I feel like a guide now in Gangotri. Yeah. So, कौन सी कावड़ है तुम्हारी? 18वीं कावड़ बोले नंगे पैर की। और गौमुख से कौन सी कावड़ है? गौमुख से छठी कावड़ है, सिक्का लग गया है। अरे बहुत बढ़िया वाले जी। कहाँ जाओगे? अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट हरियाणा। हरियाणा, अरे कहाँ गए बाकी बोले? बाकी वो अरे बीजे बम बम बोले, बम बम बोले, बम बोले, हर हर महादेव की जय, जय भैया में प्यार की, जय जय। मैंने आगे पीछे जहाँ देखा पे जो भी कांवड़ यात्रा करने भोले, परिक्रमा वासी कहते थे और कांवड़ यात्रा में भोले कहते हैं, अगर भोले या भोलन, तो सब भोले भोले कर रहे हैं, किसी को किसी का नाम नहीं पता, बस सब एक ही नाम कह रहे हैं भोले भोले। तो मैं अपने सारे भोलों से मिलता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ कि कोई और भोले हो जो मेरे साथ चलना चाहे और मेरे साथ जल उठाए। तो चलो आगे की यात्रा अब आपको लेके चलता हूँ। अब क्योंकि कांवड़ यात्रा तो मुझे शुरू करनी है, पर मैं ये जानना चाहता था कि ये कांवड़ यात्रा किसने शुरू करी और ये क्यों शुरू हुई। ऐसा कौन पुरुष था, महात्मा, देवता, असुर, जिसने ये कांवड़ यात्रा शुरू करी और इसके पीछे कहानी क्या थी। तो इसका जवाब ये मिला मुझे कि भगवान परशुराम ने ये यात्रा शुरू करी थी। अब इसके पीछे क्या कारण था ये मैं आपको आगे बताऊंगा।
So here at Bhojwasa, this is the last stop before Gomukh, 5 kilometers before the Gomukh, and this is Lal Baba Ashram, where you can get the accommodation. All he charges is $350, a good breakfast, oats, and a good meal in dinner meal. So there, if you see the military camps over there. So basic, it's police, it's military, it's the forest station people, and these are the surveillance ones. The view looks pretty, but the mountain peaks, this is the Gangotri one peak. अरे सब खत्म हो गया है। बाबा ने मैंने कब किया? अरे बाबा कहते तेरे पे लाखों कुर्बान, अब ये तो हो गए ना। पालो पालो खिचड़ी है, कहाँ चलेगा? तो भगवान परशुराम को इस यात्रा करने के पीछे जो कारण है वो ये था कि परशुराम जी के जो पिताजी थे उन्होंने उनको बताया कि उनकी माँ कलंकित हो चुकी है, और इसके लिए उन्हें कुल का जो नाम है वो उस पर कलंकित नहीं होने देना, तो उन्हें अपनी माँ की हत्या करनी पड़ेगी। तो इसलिए नारायण द्वारा उनको ये राज बताया गया था कि अगर आप शिवलिंग पे महादेव के गंगा जल चढ़ाएंगे और एक खुद ही कावड़ पे रख के लाएंगे तो शायद आपका ये दोष माफ़ हो सकता है। तो इसीलिए कांवड़ यात्रा तब से ही करी जाती है। बट नारायण ने ऐसा सल्यूशन उन्हें क्यों दिया? कोई और अल्टरनेटिव भी हो सकता था, इस यात्रा का ही क्यों? मतलब क्या है, आगे तुम्हारा रास्ता नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना जा सकते हो। बोले ये नहीं कह रहा कि पीछे की जाए तो खंडित होगा, नहीं बोले कि यूँ पीछे मुड़ना पड़ता आगे मुँह तो है। तो तो ऐसा भी हो गया ना, पुत्री को कहाँ पे गलत कहा गया? ऐसा कोई पुत्री को कहीं गलत किया है? कहा ही नहीं गया। अगर पुत्री को गलत कहा है तो तुम भी यहाँ पे गलत ही था। नहीं ये बताओ तुम ही हो। अरे देखो अब तुम मुझ पर ठोक रहा है, मैं ये कह रहा वो आदि मैं ये कह रहा हूँ एक जगह पुत्र को गलत भी तो बताता कि आ गया क्या है। पुत्र कहाँ सही है? देखो राजा राम ने सीता को बाहर निकाल दिया, पुत्री तो था किसी का, उसने तो जाके जब यज्ञ किया तब किया, दो बच्चों को जन्म दिया, काला पोसा, इसके बाद क्या हो गया? नहीं गया गंगा माई के, हमें ज्ञानी भी मिल गया रे, ज्ञानी गुरु मिल गया। जवाब दो, ज्ञानी तो आप हो, मेरे पास तो सवाल है। देख सवाल भी तू ही कर रहा है, जवाब ही तू दे रहा है, तो बाबा क्या बोलेंगे? दोनों बाबा शांति से चलेंगे ना, भगत भी भोले भी कुछ नहीं बोले, क्या करना है? जब सुखदेव जी बैठे हुए हैं तो किसी की क्या जरूरत है परीक्षित की? मैं बार फिर बोल फिकर कर बम संग कर, फिर आंखें नीच दो दम चीज मिल जाएंगे तुझको शिव शंकर, तेरे माथे पे तिलक विराज, गले में नागो की माला साजे, तेरे हाथ में डमरू बाज, हम भोले की बारात में नाचे, भोलेनाथ से मिला दे, भोलेनाथ से मिला दे, भोलेनाथ से मिला दे, भोलेनाथ से, भोलेनाथ से मिला दे, भोलेनाथ से मिला दे, भोलेनाथ से, भोलेनाथ से, भोलेनाथ से, बम बोले बम बोलो भोले बम बम, तेरे कष्ट मिटेंगे मिटेंगे सारे गम, तुझे भोले की कसम लगाए बिना दम, तुझे ना मिलेंगे कभी, बोले बम बम बोले बम तुझे, बोले के खेल निराले, कर बम शंकर दम तू लगा ले, उनको जब मिले जो दिल के हकाल ले, भोले के भक्त तू हाथ उठा ले, ओ भोले बोल शंकर भगवान की जय, बोले कि खेल निराले, कर बोम शंकर दम तू लगा ले, उनको न मिले जो दिल की हकाल ले, बोले के भक्त तू हाथ उठा ले, पहले माल रकड़ फिर चिलम में भर, फिर दो आके मीच दो दम खींच, yeah yo this is Cheka Cheka, this is live coming up from Gangotri, this is rapper Baba, chill me जयकारा वीर
बोलूंगा नमः पार्वती पते, तुम बोलोगे जोर के हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।